हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी वेज पिज्ज़ा, जिसे मैंने मैदे का यूज़ ना करके गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। वेज पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट को घोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1/4 कप पानी बोल में डालते हैं और इसमें हम डालेंगे चीनी, और चीनी को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम घोल लेते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। और यदि आपके पास पीसी हुई चीनी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और अब इसमें हम डालते हैं ईस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया है इंस्टेंट ईस्ट, इसे हम पानी के संग डाल देते हैं। इसके लिए हमें लिक्विड वाटर की ज़रूरत नहीं होती है और इंस्टेंट ईस्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम घोल लेते हैं। और अगर आप ड्राई एक्टिव ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर आप इसे घोल सकते हैं। ईस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया है और अब इसमें हम डालते हैं आटा, क्योंकि आज हम आटे से बनाने जा रहे हैं वेज पिज्ज़ा। और आटे को हम ईस्ट के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार करना है तो इसमें हम डालते हैं पानी। तो पानी डाल के मैंने बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार कर लिया है और टोटल मैंने लगभग 150 ml पानी का यूज़ किया है। और अब इसमें हम डालते हैं तेल। हम थोड़ा तेल डालेंगे और डो को बिल्कुल अच्छी तरीके से नीट कर लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फिर हम थोड़ा तेल और डालते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। यदि ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरीके से डो को टक कर लेंगे और इसे हम बोल में रखते हैं और ऊपर से हम थोड़ा सा तेल और लगा देंगे जिससे कि ये ड्राई ना हो पाए। और इसे अब हम क्लिंग रैप से रैप कर देते हैं और अब हम इसे 40 to 45 minutes के लिए फर्मेंट होने देते हैं। 45 मिनट्स हो गया है और ये जो डो है वो बिल्कुल डबल हो गया है वॉल्यूम में। तो चलिए अब इसे हम खोलते हैं और इसे अब हम पंच कर लेते हैं और हाथों से एक बार थोड़ा सा हम इसे नीट कर लेंगे। और आटे का अब हम एक हिस्सा लेते हैं और इसे अब हम रोल कर लेंगे। हम थोड़ा सा सूखा आटा डालते हैं और रोल को बिल्कुल अच्छी तरीके से डस्ट कर लेते हैं। और अब हम लेते हैं रोलर और इसे बेल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है और हम पिज्ज़ा आज बनाने जा रहे हैं पैन में, तो इसलिए मैंने बहुत बड़े साइज़ का पिज्ज़ा नहीं बनाया है। तो अब ये रोल किए हुए डो को हम प्लेट में रखते हैं। प्लेट को मैंने सूखे आटे से डस्ट कर लिया है, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम प्लेट में फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं पिज्ज़ा पास्ता सॉस। और मैं जो यहाँ पे पिज्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ इसे मैंने घर में बनाया है, जिसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इवनली चारों ओर हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं पिज्ज़ा सीजनिंग और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इसी समय हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। और अब हम डालते हैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ जितना खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं। इससे पहले भी मैंने पिज्ज़ा बनाया था जो कि मैदे का यूज़ करके बनाया था और मैंने ओवन में बनाया था, तो आप उसकी रेसिपी को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मोज़रेला चीज़ को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं वेजीज। वेजीज़ आप जैसा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी वेजीज़ को फैला लिया है और अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और अब हम पिज्ज़ा को बेक होने के लिए
पैन लेते हैं। पैन में पिज्जा बनाने के लिए मैंने नमक को बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट कर लिया है। ध्यान रहे कि नमक पूरी तरीके से हीट होना चाहिए और बीच में एक स्टैंड रखा है क्योंकि हम डायरेक्ट पिज्जा के प्लेट को नमक के ऊपर नहीं रखेंगे, इसे हम स्टैंड पर रखते हैं। तो ये मेरा जो प्लेट है इसे हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ऊपर से हम लिड को कवर कर देते हैं और पिज्जा को हम 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखकर पका लेते हैं। 15 मिनट हो गया है और चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, तो चलिए अब हम पैन को खोलकर देखते हैं। ये पिज्ज़ा पूरी तरीके से बेक हो गया है, तो अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और पिज्ज़ा को अब हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और अब इसके ऊपर हम डालते हैं फिर से थोड़े से पिज्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा होल बीट पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी है और जिनके पास अवन नहीं है वो घर में इसे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्दी वेज पिज्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल मिंट्स रेसिपीज़ पर देख सकते हैं और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।